अरे पृथ्वी जी, आप इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? डॉक्टर साहब, इस वक्त इस अस्पताल में मेरी बहन एडमिट है, उसके दिल का ऑपरेशन होने वाला है। कौन? मिसेस सीता कुमार जी? आई डिडंट नो शी इज योर सिस्टर। महल आप बेफिक्र रहिए, डॉक्टर शाह जो उनका ऑपरेशन कर रहे हैं बहुत ही काबिल सर्जन है। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलिए बोलिए। ऑपरेशन के बाद उन्हें एसी कमरे में शिफ्ट कर दीजिएगा और उनकी देखभाल के लिए दिन रात किसी नर्स का इंतजाम कर दीजिएगा। उन्हें उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ ना। ठीक है, वैसे आप बेफिक्र रहिए, आपका इतना कह देना ही काफी है कि पेशेंट आपकी बहन है। और हाँ डॉक्टर साहब, उनके ऑपरेशन का सारा खर्चा मैं करूँगा, ये 1,00,000 रुपये का चेक। और भी अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझसे जरूर। पहले भी किसी ने उनके अकाउंट में 25,000 रुपये जमा किए हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आइंदा अगर कोई पैसे जमा करने के लिए आए तो आप मना कर दीजिएगा प्लीज। ठीक ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वैसे जरूरत पड़ी तो मैं खुद ऑपरेशन थिएटर में चला जाऊंगा। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट थी। बोलिए। किसी से भी इस बात का जिक्र मत कीजिएगा कि ये सारा खर्चा मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं किसी से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। निकलो। हाँ नमस्कार जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने गौरी से कह दिया है कि वो हर रोज फोन करके सीता दीदी के बारे में हमें बताती रहे। मैं पापी हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? जो हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं। हाँ अगर किसी का दोष है तो भगवान का। बिचारी सीता गरीब। हमारे होते हुए सीता दीदी गरीब कैसे हो सकती है? मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, मैं कल ही जितना हो सके मोहन को भेज दूंगी। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सीता दीदी का इलाज बहुत अच्छी तरह से होगा। मेरे पास पैसे हैं। ये तो सिर्फ 30,000 है। और वो, 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 वो। अच्छा देखती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब।